अपनी बेटी के लिए जो डॉक्टर बनने जा रहे उसका हथियार हम लोग दे रहे हैं। यस सर नो, चलो ठीक है। कितने मार्क्स आए हैं? 610 आउट ऑफ 720। अच्छा, ये पता चला आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी था। हाँ। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। वो सागर सर के बारे में कैसे जाने थे? नहीं, पटना तो स्टार्टिंग में तो मेरे जब 11 था तो लॉकडाउन था, तो सितंबर से सर ओपन हुए। अच्छा। तो फिर मतलब कोई कोचिंग मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, तो आई प्रेफर इंडिविजुअल क्लासेस सेलेक्ट किए। अच्छा। तो फिर सागर सर के क्रॉस आए, तो इनका अच्छा खासा देखा। अच्छा। स्टूडेंट्स का भी रिव्यू अच्छा था इनका, तो इनके पास ज्वाइन किया। अच्छा। फिजिक्स के लिए NCERT DC पांडे, और ज़्यादा ज़्यादा हुआ तो SC वर्मा का ऑब्जेक्टिव, इससे ज़्यादा नहीं। 200 बहुत ज़्यादा है, इतना करोगे तो हो जाएगा। ऐसे लगा कि हाँ कि अब नहीं हो रहा, आगे क्या करे नहीं करे? टेस्ट में कम मार्क्स आए तो और अच्छी बात है ना, और एफर्ट डालोगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। जैसे कि आप लोग को पता है नीट का रिजल्ट आ गया, इसी सिलसिला में अभी हम आए हुए हैं बायोलॉजी वाइज सागर सर के यहाँ। यहाँ एक बच्ची है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाली है, तो चलिए आप लोगों को उनसे मिलाते हैं। सबसे पहले अराउंड ऑफ प्लस फॉर हर सक्सेस। ये आप ही लोगों की तरह, जैसे आप लोग इस बेंच पे बैठे थे, इसी बेंच पे बैठ के आराम से स्मूथली पास, समझ में आ रहा है क्या? और इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं था यार, पढ़ना है दिन रात पढ़ना है, ये पढ़ना वो पढ़ना, कुछ भी नहीं, एकदम डिसिप्लिन हो गया। हाँ, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, बायोलॉजी को पढ़ना है डेली तो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है तो पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ना है, बस इसने इतना ही काम किया, समझ में आ रहा है क्या? मालिक, आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं आपका समय दे रहे हैं, और समय पर आपको जो संतुष्ट, यदि बच्चे संतुष्ट नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। कोई भी गार्जियन अपना समय देता है, पैसा नुकसान करता है, और सबसे बड़ी समय, पैसा तो भरपाई किया जा सकता है, लेकिन जो समय चला जाएगा उस समय को चाहे कितनों कीमत उसको लौटाया नहीं जा सकता था। यहाँ आने के बाद हमको लगा कि नहीं, कुछ थोड़ा सा बेहतर है। हमने एक सप्ताह पहले क्लास की, हमने तुम क्लास करो बेटा, और तुमको लगता है बेहतर तो यहाँ तुम एडमिशन लेना। किंतु एक माँ बाप ही चाहता है कि उसका बच्चा उसे बेहतर करे, जो किया उसे बेहतर करे, हमसे आगे बढ़े, उसके नाम से हमारे नाम को जाना जाए। कैसे, क्या बोले? फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए NCERT DC पांडे, और ज़्यादा ज़्यादा हुआ तो SC वर्मा का ऑब्जेक्टिव, इससे ज़्यादा नहीं, और प्योर PYQs और टेस्ट दे। क्या 200 बहुत ज़्यादा है, इतना करोगे तो हो जाएगा। 200 ठीक है। और टेस्ट देते रहना चाहिए, कहीं का भी टेस्ट दो पर टेस्ट देना जरूरी है, बिना टेस्ट के नहीं पता चलता तुम कितने पानी में हो। ऐसे लगा कि हाँ कि अब नहीं हो रहा, आगे क्या करे नहीं करे? टेस्ट में कम मार्क्स आए तो और अच्छी बात है ना, और एफर्ट डालोगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। नहीं होना है मतलब कम मार्क्स है तो ज़्यादा अच्छी बात, तुम और उसको प्रैक्टिस करोगे और उस पर ज़्यादा एफर्ट डालोगे, उस टॉपिक पर और तुम अपना समय दोगे। देखा जाए कि ऐसे की बायोलॉजी के जो भी स्टूडेंट होते हैं काफ़ी उनको फिजिक्स के क्वेश्चन है, एंड और केमिस्ट्री के जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है उनसे काफ़ी कैलकुलेशन होती है, तो उनसे डरते हैं क्योंकि उन लोगों का बेसिक वीक है। अपना बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करो, सब ईजी हो जाएगा। फिर मैं बस मतलब हाँ ये बात है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो उस पार्ट को पहले ठीक करो फिर क्वेश्चन लगाओ। मेरा ऐसे आवर्स अर्ली स्टडी नहीं था, मतलब ऐसे कोचिंग से जैसे घर गए कभी, मतलब तो पहले जो जिसमें कोचिंग में उसको करें और फिर वही क्वेश्चन वगैरह लगाएं, और फिर ज़्यादा ज़्यादा हुआ तो बहुत ज़्यादा हुआ तो लेट नाइट स्टडी हुई 2 बजे तक, ज़्यादा नहीं। हेलो, क्या नाम हुआ आपका? आराध्या गुप्ता। कितने मार्क्स आए हैं? 610 आउट ऑफ 720। अच्छा, ये पता चला आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी था। हाँ। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप क्या सोचे थे, कब सोचे थे मुझे नीट करना है? नीट 10th में सोचा था, मेरे मतलब ऐसे नेबर में एक दीदी थी, वो मतलब ऐसे का प्रिपरेशन कर रही थी, तभी से सोचा था नीट ही करना है। अच्छा, और फिर आप कैसे सोचे कहाँ पढ़ना है, पटना में जाना है तो कौन सा कोचिंग को सिलेक्शन करना है, तो सागर सर के बारे में कैसे जाने थे? नहीं, पटना तो स्टार्टिंग में तो मेरे जब 11 था तो लॉकडाउन था, तो सितंबर से सर ओपन हुए। अच्छा। तो फिर मतलब कोई कोचिंग मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, तो आई प्रेफर इंडिविजुअल क्लासेस सेलेक्ट किए। अच्छा। तो फिर सागर सर के क्रॉस आए, तो इनका अच्छा खासा देखा। अच्छा। स्टूडेंट्स का भी रिव्यू अच्छा था इनका, तो इनके पास ज्वाइन किया। अच्छा। सागर सर के बारे में आप कैसे जाने थे फर्स्ट टाइम? बैनर्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू।
अच्छा, जैसा आपने सोचा था जब आप देखे होंगे बायोलॉजी वाइस सागर सर, और फिर यहाँ पे आए तो कैसा क्या डिफरेंस लगा? क्या यहाँ पे तक सर अच्छे एक्सप्लेन करते थे और बहुत अच्छा गाइड करते थे। आपको कुछ भी मतलब ये हो, जैसे डाउट हो, केयर से पर्सनल डाउट भी हो ना, मतलब पर्सनल अच्छा। लाइफ से उसको भी अच्छे से मतलब क्लियर करते थे। अच्छा, अभी बायोलॉजी में आपको कितने मार्क्स आए? बायोलॉजी में 91% आए हैं। अच्छा, 91% आए। अच्छा, जो यहाँ पे आप टेस्ट में एग्जाम देते थे, यहाँ जो आप मार्क्स आते थे, कितने का डिफरेंस रहा? डिफरेंस तो नहीं बोल सकते, पर यहाँ पे मतलब अच्छा था, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग चले गए थे। अच्छा, थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, क्योंकि एंजाइटी हो जाता, थोड़ा सा प्रेशर भी हो जाता। आप उनको क्या बताना चाहेंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अगले साल नीट देने वाले हैं, क्यों ना आप वो मुकाम हासिल कर लिए जो वो करना चाह रहे हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? स्टार्टिंग डे वन से प्रिपेयर करो, टाइम का वेट नहीं करो, इतने दिन बात करेंगे, अभी टाइम है 2 साल, ऐसे नहीं, डे वन से प्रिपेयर करना है और एनसीईआरटी को एकदम इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। अच्छा, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत खुशी हो रहा है कि जब बच्चे, किसी भी गार्जियन के बच्चे जो अपने मुकाम पर आते हैं, तो उतना खुशी शायद किसी गार्जियन को न, मतलब मैंने कोई भी गार्जियन चाहता है कि जो भी मेरे बच्चे हैं वो हमसे बेहतर करें। एक गार्जियन के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं होगी कि मतलब फर्स्ट अप्रैल में और नीट मेडिकल, वो भी लड़की, अपने हम लोग बैकवर्ड समाज में हम लोग आते हैं, हम लोग ईबीसी में आते हैं, रहने वाले सिवान डिस्ट्रिक्ट के हैं, और पेशे से मैं एक कांस्टेबल हूँ, कांस्टेबल सिपाही के पद पर हूँ, और बच्ची को मैं ये बोलती थी कोटा जाने के लिए, हमने कहा हमारे पास इतना एफर्ट नहीं है कि तुमको कोटा भेज सकते हैं। अच्छा, ये यदि यहीं से तुम कर सकती हो तो करो, इसके बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि तुमको हम कोटा भेज सकते हैं, ठीक है? हाँ, तुम्हारे लिए जो सुविधा चाहिए यहाँ पे मैं वो कर सकता हूँ, और हम यही उम्मीद करते हैं प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक गार्जियन से कि एक अच्छा माहौल दे, एक बच्चे अच्छे माहौल से आगे निकल पाए। अच्छा लगा, ठीक है। आंटी, आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, इतने खुशी का दिन है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा आशीर्वाद रहेगा, बहुत आगे जाएगी, अच्छा करेगी। हमारे साथ अभी सागर सर भी है, सागर सर से जानते हैं आज कैसा लग रहा है। सर, आज कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हम बहुत ही अच्छा, मतलब इस सेंस में कह सकते हैं कि मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जो है यहाँ सक्सेसफुल की है, और शायद हो सकता है हम ऐसा कहा भी जाता है, और हमारे लिए भी ये चीज़ें हम क्लासेस के अंदर भी बोलते हैं कि शायद हम उतना खुश नहीं होंगे जितना मेरा बेटा शायद सक्सेसफुल होगा तो शायद खुश होंगे, लेकिन मेरा स्टूडेंट लोग खुश हुआ, स्टूडेंट लोग अगर सक्सेसफुल हुआ इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हुआ है। बिहार के अंदर जो माइंड सेटअप हो गया है ना, ये प्लस टू करने के बाद नीट करो, बस ये उसके लिए एक जवाब है, दैट्स इट, और कुछ नहीं कि भाई आप पेयरिंग पे आप पढ़ाई कीजिए। और ये चीज़ हम शुरू से कहते आते हैं कि बायोलॉजी साइड से हम कंट्रोल कर रहे हैं, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कंट्रोल कर लीजिए, बाकी देखिए आराम से सक्सेस हो जाएगा। और उसी का एक मतलब सिंपल सा उदाहरण है यहाँ कि इस बेटी ने करके दिखाया।